नमस्कार दोस्तों, प्रदेश के किसान अब अपनी फसल की जानकारी स्वयं एमपी किसान ऐप पर दर्ज कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने 1 अगस्त सोमवार से 15 अगस्त तक की समय अवधि किसानों को दी है। किसान फसल की जो जानकारी देंगे उसका पटवारी से सत्यापन कराया जाएगा। इसका उपयोग फसल की हानि, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज खरीदने, कृषि ऋण देने सहित अन्य योजनाओं में किया जाएगा। तो किसान भाइयों, यदि आप भी अपनी भूमि की गिरदावरी स्वयं अपने मोबाइल से अपने खेत में जाकर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप स्वयं अपने मोबाइल से अपनी फसल की गिरदावरी कैसे कर सकते हैं। तो किसान भाई, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। हम आपको पूरे डिटेल में बताएंगे कि आप अपनी फसल की गिरदावरी कैसे कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से बहुत ही आसान तरीके से। तो किसान भाई, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसान भाइयों, राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अभी तक पटवारी किसान की फसल की जानकारी एमपी किसान ऐप पर दर्ज करते थे। प्राकृतिक आपदा से फसल प्रभावित होने पर सर्वे के समय दर्ज जानकारी के मिलान में गड़बड़ियां सामने आती थी। इसे देखते हुए यह व्यवस्था बनाई गई है कि किसान स्वयं अपनी फसल की जानकारी दर्ज करेगा, इसका सत्यापन पटवारी से कराया जाएगा। इसमें असहमति की स्थिति होने पर किसान खेत में उपस्थित होकर फोटो भी ऐप पर अपलोड कर सकेगा, इससे वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी। यदि किसान भाई आपकी फसल की जानकारी पहले से ही दे दी गई है और आप वहां जाकर अपनी जानकारी को देखना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा दी गई स्टेप को फॉलो करके आप जानकारी देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको वहां से एमपी किसान ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप उसमें मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर जाना है, गिरदावरी जानकारी। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपना जिला यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी जिले में आप रहते हो यहाँ से आपको अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है। जिला सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी तहसील का चुनाव यहां से कर लेना है। तहसील का चुनाव जैसे ही आप कर लेते हैं तो आपको यहां से आपका हल्का नंबर जो भी है वो आपका यहां से हल्का नंबर आपको सिलेक्ट कर लेना है। हल्का नंबर सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना यहां गांव का नाम सिलेक्ट कर लेना है। गांव का नाम सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना खसरा नंबर यहां पर सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आप नाम से भी अपना खसरा नंबर सर्च कर सकते हैं। खसरा नंबर सर्च करने के बाद आपको नीचे एक जमा वाला ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जमा वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने दिखाई देगा, जिसमें लिखा है कि इस खसरे से संबंधित अभी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब किसान भाइयों ये है कि अभी पटवारी के द्वारा आपकी फसल की गिरदावरी नहीं की गई है। तो चलिए अब हम अपनी फसल की गिरदावरी स्वयं अपने मोबाइल से ही करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पहले वाले ऑप्शन फसल स्वघोषणा पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यदि आपका खसरा नंबर यहाँ पर ऐड नहीं है तो आप नीचे प्लस वाले आइकन पर जाकर यहाँ से अपना खसरा नंबर ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ से अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है। जिला सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से अपनी तहसील सिलेक्ट कर लेना है। तहसील के बाद आपको यहाँ से अपना जो भी हल्का नंबर है वो अपना हल्का नंबर यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। हल्का नंबर के बाद आपको अपना ग्राम का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, और ग्राम का नाम सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना खसरा नंबर जो है सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी खसरे की आप गिरदावरी करना चाहते हैं उस खसरे को यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको जमा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जमा वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका खसरा नंबर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब हम जिस भी खसरे नंबर की गिरदावरी करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको किसान का नाम, खसरा नंबर और हेक्टेयर, जितनी भी इस खसरे में आपकी भूमि है वो भूमि आपको यहाँ पर दिखाई देगी, और नीचे आपको दिखाई देगा सैटेलाइट इमेज के द्वारा आपकी भूमि पर उपरोक्त जानकारी उपलब्ध है। यदि आप उक्त जानकारी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो हाँ दबाएं। तो किसान भाई, इसका मतलब है कि यदि ऊपर दी गई जानकारी आपको कुछ गलत लग रही है तो आप यहाँ पर हाँ दबाकर इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, अन्यथा यदि जानकारी सही है तो आपको नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसमें फसल का नाम सोयाबीन पहले से ही ऐड कर दिया गया है। आपको फसल की किस्म यहाँ पर ऐड कर देनी है। किस्म को ऐड करने के बाद आपको फसल की विधि को यहाँ से चुन लेना है कि आपने फसल को बोया है या फिर छिड़का है। इसके बाद में आपको सिंचाई व्यवस्था पर क्लिक कर देना है। वैसे तो सोयाबीन की फसल में किसी भी प्रकार की सिंचाई व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि सोयाबीन की फसल वर्षा ऋतु में होती है, पर आप चाहे तो असिंचित भी कर सकते हैं और सिंचित भी कर सकते हैं। यदि आप सिंचित करते हैं तो आप किस चीज से सिंचित करते हैं उसका आप यहाँ पर
जो भी है नदी है, कुआ है, नलकूप है, उसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको पद्धति भी पूछी जाएगी, तो आप जो भी पद्धति से आप छिड़काव करते हैं या फिर कोई भी आप पद्धति यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने छिड़काव पद्धति यहाँ पर सिलेक्ट कर दी है। अब यहाँ पर पूरी जो भी डिटेल हमने डाली है वो यहाँ पर आपको शो कर रही है। अब इसके बाद आपको ऊपर एक कैमरे वाला ऑप्शन दिखाई देगा। इसके बाद आपको ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी फसल का यहाँ से फोटो खींच लेना है। फोटो आपको यहाँ से खींचने के बाद सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी संपूर्ण जानकारी आ जाएगी। यहाँ से आपको अब नीचे जोड़े वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इतना आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको ऊपर एक अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। किसान भाई आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको नीचे अपलोड वाला एक ऑप्शन दिखाई देगा। आपको अपलोड वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पॉपअप आपको दिखाई देगा, जिसमें लिखा है कि फसल सुधार हेतु आवेदन सफलतापूर्वक ले लिया गया है। तो किसान भाई यहां से आपकी फसल की गिरदावरी जो है कि संपूर्ण हो चुकी है। तो किसान भाई हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।